पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में अपर एसडीएम नवाज सरफराज ने अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अपर एसडीएम ने अनुमंडलीय अस्पताल के दवा स्टॉक, मास्क और सैनिटाइजर वितरण की जानकारी ली। अपर एसडीएम ने बताया कि शिकायत मिली थी कि अनुमंडलीय अस्पताल में लगभग 300 पीस हॉर्लिक्स का वितरण मरीजों के बीच ना कर उसको गबन कर लिया गया। इस मामले की जांच को लेकर वे अनुमंडल अस्पताल आए थे। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि अस्पताल में 300 पीस की जगह मात्र 87 पीस हॉर्लिक्स आया था, जिसका वितरण कोरोना मरीजों के बीच अस्पताल प्रबंधन की ओर से किया गया। इसके अलावा मास्क व सैनिटाइजर का स्टॉक सही पाया गया है। ये जांच करने आए थे हॉर्लिक्स का, किसी ने शिकायत किया था कि यहाँ 300 पीस जो है हॉर्लिक्स मिला था, लेकिन जांच करने पर ये पता चला कि 87 हॉर्लिक्स आया था जो मर चुका है। इसका हमने दे दिया है, इसका सारा खर्चा तो बहुत ठीक है। इसमें बताना क्या है, इसी की जांच के लिए आए थे ना, ये सही पर 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।